मेगा ऑडिशंस की परफॉर्मेंस के लिए मैं नर्वस हूँ, क्योंकि आज का जो एक्ट है वो पूरा मेरे हाथ के बाहर है। जो भी करेंगे वो जजेस करेंगे, तो अगर जजेस ने कोई गड़बड़ की तो मैं निकल जाऊंगा। रोहित सर, इनका एक्ट पिछली बार था फॉर्म मैजिक। फॉर्म मैजिक, कॉमेडी और मैजिक। यस, तो जब ये मैजिक कर रहे थे हम मैजिक में खो रहे थे और एंड में कॉमेडी थी। जब ये कॉमेडी कर रही थी एंड में एकदम से मैजिक निकलता था। आई रियली होप, मेरी फिंगर्स क्रॉस है, आप बेहतरीन 12 में आ जाएं जैसा मैं चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हम कुछ अलग करेंगे, गेम खेलेंगे सर। आई कॉल दिस द गेम ऑफ लक। इसमें चार प्लेयर्स होंगे और सबसे मेन प्लेयर होंगे करण सर। करण एंड करण, तो करण सर वुड यू प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज। एक बार करण सर के लिए ताली हो जाए। और करण सर, मैं चाहता हूँ हम पूरे परफेक्ट कॉम्बिनेशन में रहे। तो जैसे मैंने व्हाइट के साथ व्हाइट चश्मे पहने, मैंने देखा आपको फोटोज में ब्लैक चश्मे आप पहनते हो, तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक पहन लीजिए। Now the game of luck, sir, is going to be played with one object. एक object बहुत important है इस game के लिए। वो object है यहाँ मेरे पास सर, और ये सबने देखा होगा ये object actually। घर में सबके पास होगा ये। It's a dice. Dice. Yes. There are 6 numbers on a dice, sir. पर आपको मुझे trust नहीं करना चाहिए सर, तो please check it. Make sure every number is there. आप roll भी कर सकते हैं एक दो बार। सर उसको पकड़ के रखिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर और कुछ चीजें हैं। ये है सर कुछ random envelopes. Random envelopes. परिति जी आपको पता है इनको random क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैडम, देखिए, रैंडम रैंडम दिस इज अ मैजिक एक्ट मैडम, दिस इज ऑल द क्लेवर इट्स गोइंग टू गेट। यस, या आई नो। तो करण सर, यहाँ पे मेरे पास 6 एनवेलप थे और वहाँ पे मेरे पास कुछ चश्मे भी पड़े हुए सर, तो आपको वहाँ जाना है और इस एक एक एनवेलप में एक एक चश्मा भर देना है। सर मैं डाइस लेता हूँ आपसे ताकि आपका एक दोनों हाथ फ्री हो जाए। थैंक यू सो मच। कैन आई रिक्वेस्ट आवर 2 जजेस एंड आवर गेस्ट जस्ट टू जॉइन योर स्टेज। गिव देम अ राउंड ऑफ अप्लॉज। टेबल के पीछे आप कहीं भी खड़े हो सकते हैं। यस सर, सारे अंदर भर देना प्लीज, कोई बात नहीं। परफेक्ट, मिथुनदा आप आ जाइए यहाँ पर और मैं ये डाइस और ये कप यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये थोड़ी देर में हम करण सर को देंगे। आप लोग 6 नंबर के पीछे खड़े हैं। नाउ करण सर, सारे अंदर भर दिए सर। ओके। नहीं सर, इसमें 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 भी डालना तो नहीं है ना, चश्मा नहीं तो सर अपना डाल दीजिए। हाँ अपना डाल दीजिए सर, ये महंगा है सर। आपका चश्मा मेरा फ्लैट सेम प्राइस सर, लेकिन अभी मेरे करियर का सवाल है सर। प्लीज डाल दो सर अंदर, प्लीज। थैंक यू, फैंटास्टिक। और करण सर, सारे एनवेलप्स को मिक्स कर दीजिए कुछ इस कदर कि आपको खुद को पता ना हो आपका चश्मा किसमें और जो मैं लाया था वो किसमें। लवली सर, लवली। अभी मुझे कुछ पता नहीं कौन कौन कौन। परफेक्ट, परफेक्ट। नाउ करण सर, आई एम गोइंग टू गिव दीज एनवेलप्स आउट टू आवर जजेस। मिथुनदा, 1, 2, you have 2 numbers in front of you. 1, 2, kis mein dalo? 2, number 2, then this one will go on number 1, make sense? Yes? Hey, perfect. Listen. Go for it. You want to change it, sir? 2. Then switch it on to 3 if you want, there you go. Now, Pariti ma'am, you'll have 2 and 4, alright? Okay. So, let's try this. Karan sir, yahan pe perfect. Pariti ma'am? 4. 4 here? Huh. 2. And 2 here? Perfect, perfect. Karan sir, last 2 envelopes left, we'll take those. Rohit sir, your choice again. Choice bacha kya hai, yahi 2 dalna hai. जो भी नंबर ऊपर आएगा सर आप अनाउंस करोगे सबके लिए, और सर जो भी नंबर आएगा आपके अनाउंस करने के बाद हमेशा अज्यूम कर लेंगे, हमेशा सोच लेंगे कि उस नंबर के एनवेलप में करण सर का चश्मा नहीं है, तो हम उसे गेम से हटा देंगे वहां पे एक और टेबल। सिंपल राइट। करण सर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर? 5। हाथ रख दीजिए सर वापस ताकि वो गिरे नहीं। 5 इज योर्स। रोहित सर वहां पे रख दीजिए, उसको हटा दें। परफेक्ट, परफेक्ट। और रोहित सर एक मिनट, रोहित सर जरा ये लेके उसको तोड़ दो सर। और मे बी हाथ 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 उसके हमारा का
मेरा अगर चश्मा होगा ना तो मैं पूरा दुकान आपको आपसे दिलवाऊंगा, देख लेना। अभी नेक्स्ट नंबर दो। हाँ सर दीजिए। तो नेक्स्ट नंबर ये हथौड़ा, क्या जब रोहित छेड़ किया है तो हथौड़ा का कोई काम नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये रोहित सर के चश्मे के साथ नहीं कर रहा हूँ। सर डाइस थक जाएगा, सर डाइस थक जाएगा सर। अच्छा टू नंबर टू मिथुन दा, आपका एनवेलोप सर, अब आप भी चूज कर सकते हो सर, हाथ से तोड़ना है कि हथौड़े से तोड़ना। हथौड़े से तोड़ेंगे सर, वहाँ जाके तोड़ दीजिए प्लीज, परफेक्ट। और सर फुल पावर, हाँ सर एकदम फुल। सर एक और नंबर, चलिए बहुत एक्साइटिंग है ना, जजेस को एक्साइटिंग हो आपके लिए, करण सर के लिए नहीं आया। तोड़ दो। अभी तक धर्मा ने आपको दिया नहीं। सिर्फ दो नंबर थे, तीन और चार। टू फिर से आया, कोई बात नहीं सर, थ्री और फोर में से एक नंबर लाते हैं। थ्री, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। बर्री थी मैम, आपका एंजलो पे फाइनली बेटर सॉन्ग। यस, आई वांट टू बी रोहित सर। ऑल राइट, प्लीज प्लीज डू इट। ये चार अगर मेरा कुछ ही नहीं हुआ ना सर, आप टेंशन मत लो, अगर आपके चश्मे कुछ भी हुआ सर तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलर्स की सर। कलर्स की? हाँ कलर्स की सर। आई टेक दैट एनवेलोप फ्रॉम यू मैडम, फिंगर टिप सर। सर एक सेकंड, मेरे पास यहाँ पे कैंची भी है। मैं नहीं देख रहा, बस निकाल रहा हूँ, पहन रहा, आप लोग बताओ। You are the winner of the game of luck, sir. Fantastic, fantastic. Thank you so much, Karan sir. और गणित के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे वाह करण वाह। Okay. अच्छा मेरी जो लास्ट टाइम की को एक्ट्रेस आई है आपके साथ। हाँ सर, हाँ बिल्कुल आई है। आपकी चहेती माँ। हाँ सर आई है। Can I get a call? Yes, yes, please. Mom, could you come here, please? नमस्कार मैम। नमस्ते। नमस्ते, आपको फिर से देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आज इसके आप जानते हैं बेहतरीन 12। हाँ जी। कौन है वो स्पेशल 12 ये तो हम बाद में ही बताएंगे, लेकिन आपके बेटे ने ऑफ कोर्स एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। करण क्या लग रहा है? सर थोड़ा मैं नर्वस तो था सर आज आया तभी, क्योंकि बेहतरीन 12 इज अ बिग डील, लेकिन सर ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, टू बी ऑनेस्ट। और उसके दो ही मेन रीजंस है सर। पहले तो सर ये जो कॉम मैजिक का कॉन्सेप्ट है सर, ये इंडिया के लिए बहुत नया है और ये किसी ने नहीं देखा सर, और मैं चाहता हूँ कि हुनरबाज और कलर्स के माध्यम से मैं इसको हर घर तक पहुँचा सकूँ। द सेकेंड थिंग इज माई मॉम सर, लाइक यू नो सर, शी इज द सपोर्ट ऑफ माई लाइफ। स्पेशली उन्होंने पूरी लाइफ सर हमारे पीछे बिता दी है सर, मेरे डैड के पीछे, मेरे पीछे सर। और पहली बार जब मैं आया सर तो मैंने उनके चेहरे पे एक बहुत अलग खुशी देखी सर, जो मैंने इतने सालों में कभी नहीं देखी। और एक सर बहुत ही एक वियर्ड चीज़ की है मेरी मम्मी ने, और वो ये है कि सर जब मेरा एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला था, नहीं एक मिनट, जब मेरा एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला था सर, तो मम्मी ने सारे रिलेटिव्स को फ़ोन किया और ये बोला, ये नहीं बोला सर कि मेरा बेटा करण टीवी पे आने वाला है, उन्होंने बोला सुनो मैं करण जौहर के साथ टीवी पे आने वाली हूँ। और मैंने एक सीन भी इनैक्ट किया है, तो प्लीज़ देख के मुझे बताना कि मैंने कैसा किया है। देखिए
बिल्कुल बनता है, सबसे बड़ी सुपरस्टार मां ही होती है। एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल आप आए ना आए उनको खुश रहना चाहिए। आई वांट टू कम एंड गिव यू अ हग। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। Fantastic, well done. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, judges. Thank you.